नहीं मेरी आवाज, हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। अच्छा लास्ट टाइम कुछ काम मैंने दिया था, कॉफी पे करिए, कॉफी पे करिए। लास्ट टाइम जो कुछ काम था उसकी क्या स्थिति हाल है, मौका मिला करने का? अच्छा ठीक है चले, लेकिन बहरहाल उसको ठीक है चलिए, कल फिर इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन यह है कि हम इसको देखते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 55 शुरू किया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 55 में आपको याद है कि हमने ए वाला हिस्सा कर लिया था, जो कि इस बात से रिलेटेड था कि हमने एक मिनट, अच्छा जी ये वाला हिस्सा हमने किया था, जो कि ये था कि एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इश्यूज इन द समरी प्रोवाइडेड बाय द मेंजी एग्जिबिट, रिकमेंड अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग जर्नल्स टू द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 जून 2024। ये हमने कर लिया था ये वाला हिस्सा। अच्छा अब इससे अगले वाले जो हिस्से हैं हमारे उसको हम जरा देख लेते हैं, ठीक है? अगले वाले हिस्से हैं, प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 जून, यानी हमने ए में जो भी एडजस्टमेंट्स रिकमेंड की थी ना, अब हमने देखना है कि 30 जून 2024 पे उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा। सेट आउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑन द रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, स्पेसिफिक कह रहा है कि रेवेन्यू का एनालिसिस करके दें मुझे, ठीक है? रेवेन्यू का एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस, इन द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम दीज एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है? इसका ये है बेसिकली, ये वाला जो हिस्सा है जो अभी हम देखने लगे हैं, ये बेसिकली इन टोटल इसके मार्क्स हैं 12। तो आप देख सकते हैं इसमें तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, एक हमने रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, दूसरा हमने रेवेन्यू का एनालिटिकल करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिटिकल करना है, और उसके बाद इस एनालिसिस की बेस पे हमने मटेरियल रिस्क आइडेंटिफाई करना है, यानी एक, ये दो और ये तीन रिक्वायरमेंट हो, इनके 12 नंबर है, ठीक है? अच्छा अब इसमें सबसे पहले हम वेरी क्विकली आप ने लास्ट वाली नोटबुक है ना आपके पास, जिसमें हमने जनरल एंट्रीज लास्ट टाइम पास की थी और कुछ फिगर्स पास की थी, ठीक है? अब देखिए उसमें से हम देखते हैं कि जो किस हिस्से में, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने वो वाली एंट्रीज पास करनी है, ठीक है? अच्छा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में है हमारे पास, वो है अगर हम अगले पेज पे जाएं, ये है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? और कौन सी पे करना है, जो 30 जून को एंड हो गई, ये वाली 30 जून को एंड हो गई, 6 मंथ्स पीरियड इसकी बात हो गई, ठीक है? इसके अंदर हमने, यानी हमने देखना है कि वो जो हमारी एडजस्टमेंट है उसका क्या इफेक्ट है। अच्छा हाँ जी,
क्विकली जरा बताते जाएं। पहली एडजस्टमेंट थी हमारी उससे रिलेटेड, रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड। रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड हमने एंट्रीज पास की थी, वो बताएं ताकि इसमें उसका इफेक्ट दे। क्विकली बता दें जरा, रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड। क्विकली बताते जाएं, अपनी नोटबुक सामने रखें और जो रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड हमने दो एंट्रीज की थी, दो तीन जितनी भी, हाँ एक तो आपने किया था रेवेन्यू रेवेन्यू 2000। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू 2000 टू कॉस्ट ऑफ सेल 6000, प्रॉफिट 6000, 15000। व्हाट इज दिस 15000? नहीं क्या है? फिफ्टीन थाउजेंड क्या है? अच्छा, रेवेन्यू 15000 टू कॉस्ट ऑफ सेल 6000, प्रॉफिट 9000। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अब इसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। अब रेवेन्यू जो 15000 है उसका भी ब्रेकअप जो है, अगर मैं वर्ड की फाइल को यूज करूं तो वहां पे हम ले ले सकते हैं। ये जरा आपने नोट भी करते जाना है क्योंकि फिर उसी को हम फिर यूज कर लेंगे। अच्छा, अब देखें इसमें हमारे पास पेन। अच्छा, अब देखिए हमारे पास हम बनाएंगे रिवाइज्ड, रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को एग्जैक्टली उस तरह से फॉलो नहीं करूंगा। 20x4 ये आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम हमारा जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसको जरा देख लेते हैं, फिर इसी तरह से नीचे आ जाए। सबसे पहले है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेवेन्यू। अच्छा, इसमें मोबाइल डिवाइस बिजनेस, मोबाइल डिवाइस बिजनेस, मोबाइल डिवाइस बिजनेस में पहले तो है ना 30,300, इसमें से हम एडजस्टमेंट वन के हिसाब से 10,000 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20,000। इसी तरह से कस्टमाइज्ड, इसी तरह से हमारे पास है, ये बेसिकली कस्टमाइज्ड के लिए हमने किया। ये कस्टमाइज्ड के लिए किया हमने। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल्स। सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल में आप देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे पास पहले था 18,101, उसमें से हमने कितना माइनस, आपने सही बताया, 5,000 हम
माइनस कर, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास रह जाएगा 13,000। अब ये जो नई फिगर्स आ रही हैं, हम इनको ऑनवर्ड इनको यूज करेंगे। उसके बाद है अदर मोबाइल डिवाइसेस, अदर मोबाइल डिवाइसेस, अदर मोबाइल डिवाइसेस में कोई ऐसी चेंज नहीं थी, वो उसी तरह से 15,700 आ जाएगी। और रीफोन मोबाइल डिवाइस रिपेयर्स, रीफोन मोबाइल डिवाइस रिपेयर, अच्छा मोबाइल डिवाइस रिपेयर हमारे पास आ जाएगी 2,100। अच्छा इस तरह से आपने सही बताया कि प्रॉफिट में जो इफेक्ट आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो है पहले हमारा था 39,541, ठीक है, थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी वन। इसमें से वही जो आपने बताया 9,000 कम हो जाएगा, और इस तरह से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिवाइज हो जाएगा 30,541, बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुई रहेगी, ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा उसके बाद जो चेंज आएगी वो एडमिन एक्सपेंसेस में आएगी मसीन, ठीक है। मैं सिर्फ चेंज वाला हिस्सा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो बाकी आप पूरी बनाएंगे, सिर्फ मैं उसमें से वो लिख रहा हूँ जो कि जिसमें चेंज आएगी। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वही रह जाएगी 3823। उसके बाद जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो पहले हैं 6563, ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6563। अब देखें हम अब बाकी एडजस्टमेंट देखेंगे। हमारी दूसरी एडजस्टमेंट थी, क्योंकि कौन सी थी हमारी दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट थी पहली थी तो रेवेन्यू आ गई, दूसरी इंपेयरमेंट वाली थी। इंपेयरमेंट में मदली क्या एडजस्टमेंट आई थी हमारी, इंपेयरमेंट हमने चार्ज की थी अगर आपको याद हो, इंपेयरमेंट हमने चार्ज की थी, हाँ ठीक है, तो ये इंपेयरमेंट यहां ऐड हो जाएगी 4,450, बिल्कुल ठीक है, एडमिन में ऐड हो गई। उसके बाद हमने अगला काम किया था एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का जो डेफरमेंट का था, तो हमने कहा था इसको डेफर नहीं करना बल्कि अभी इसको एक्सपेंस के तौर पे बुक करना है, वो कितनी थी, वो कितनी थी 1,000, बिल्कुल ठीक है, वो 1,000 भी इधर आ गई। उसके बाद हम आ गए उसमें आखिरी हमारी जो एडजस्टमेंट थी पेंशन स्कीम से रिलेटेड, उसमें जो हमने देखा था एक तो वो सर्विस कॉस्ट आ रही थी, सर्विस कॉस्ट 1,400, इसी तरह से कंट्रीब्यूशन जो पेड था उसने लेस होना था, तो ये एडजस्टमेंट एडमिन में आनी थी। बाकी वो जो 75 की फाइनेंस चार्ज, वो फाइनेंस चार्ज में है उसकी एडजस्टमेंट, तो जब हम इसको सारे को एडजस्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,513। आपके एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ के 12,513 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर